हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, लुसेंट टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री में। इसके पहले जो है हम लोग इसे वर्धन वंश देख रहे थे, है ना, और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, उसी का ये आज जो है लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो है वर्धन वंश का। हर्षवर्धन वंश या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जिसको बोलते हैं, उसका अंतिम चैप्टर है। और आइए आज देखते हैं, इसके बाद दो चैप्टर और बचेगा, इसके बाद ये प्राचीन भारत जो है लास्ट हो जाएगा। तो आइए इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। हर्ष के समय में नालंदा, महाविहार, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। क्या कह रहा है? हर्ष मतलब हर्षवर्धन, है ना। हर्ष के समय में मतलब राजा हर्षवर्धन के समय में, शासक हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार जो है, है ना, नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ये जो नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म, जो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म जो दो पार्ट में बड़ा था, हीनयान और महायान शाखा में, तो ये महायान शाखा की बात कर रहा है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। देखिए कह रहा है राजा हर्ष, जो हर्षवर्धन के समय में, तो हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में, है ना, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष मतलब हर पांचवें साल जो है एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे क्या कहता था? महामोक्ष परिषद। उस समारोह को क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये अच्छा पॉइंट है कि हर्षवर्धन के साथ कहेगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में हर पांचवें वर्ष जो बौद्ध धर्म का जो एक समारोह आयोजित होता था उसे क्या कहते थे? तो महामोक्ष परिषद कहा जाता था। आगे देखते हैं। ह्वेनसांग, है ना, यात्रियों का राजकुमार जिसको बोलते हैं, ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, यह स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। मतलब छठा समारोह जो हुआ था उसमें ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। ये बात दिया गया है कि ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट क्या थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, है ना। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। तो वही कह रहा है कि बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित लिखा एवं कादंबरी लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पुस्तक, हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी तो बहुत बार पूछा जाता है कि कादंबरी किसकी रचना है, तो ये बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के, शासक हर्षवर्धन। तो यही कह रहा है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। आगे देखते हैं। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। किसने किया था? हर्ष ने, राजा हर्षवर्धन ने की थी। देखिए क्या क्या नाम है प्रियदर्शिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। क्या क्या लिखा है? प्रियदर्शिका रत्नावली, है ना, प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद, प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक, ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। ऐसा कहा जाता है कि ये धावक नाम का जो उसके दरबार का एक कवि था, उसने हर्ष से पुरस्कार लिया और उसके बाद जो है उसी के नाम से, हर्ष के नाम से इस तीनों नाटक को लिख दिया। किस नाटक को? प्रियदर्शिका को लिखा, रत्नावली को और नागानंद को। तो ये तीनों नाटक हर्षवर्धन के नाम से जानाता है कि ये तीनों नाटक राजा हर्षवर्धन ने लिखे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से, मतलब हर्ष के नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हर्ष को, है ना, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, है ना, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था। मतलब कि
हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहते हैं, लेकिन वो ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही था, पूरा देश पर उसका शासक भी शासन भी नहीं था। आगे देखते हैं, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। देखिए कह रहा है हर्ष, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक थे उनको महाराज या महासामंत कहे जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, हर्ष के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होता था तो उस मंत्री को सचिव आमत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सचिव आमत्य, है ना, सचिव आमत्य। ये हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव आमत्य कहा जाता था। आगे देखते हैं, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति। तो प्रशासन के लिए हर्ष का जो साम्राज्य था वह कई प्रांत में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत को क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। और प्रत्येक भुक्ति का शासक, वो जो प्रांत जिसको भुक्ति कहा गया, उस प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा किसके समय में प्रांतीय शासन शासक के लिए लोकपाल शब्द यूज किया गया है, तो यह हर्ष के प्रांतीय शासक के लिए। तो हर्ष चरित्र जो वानभट्ट ने लिखी है, इस पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लोकपाल वर्ड को यूज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भुक्ति का विभाजन मतलब प्रांत हुआ, और प्रांतों का विभाजन जिलों में हुआ था। प्रांत किस में था? जिला में बटा था। जिले की संज्ञा क्या थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। विषय के अंतर्गत कई पाठक या आधुनिक तहसील होते थे। आगे देखते हैं, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। ग्रामाक्ष पटलिक, ग्राम शासन का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामाक्ष पटलिक, है ना। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासक का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। तो ये कह रहा है कि दंडपासिक और दांडिक पुलिस जो है, दंडपासिक और दांडिक ये दोनों जो है पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। कौन कौन? दंडपासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। आगे देखते हैं, अश्वसेना के अधिकारियों को क्या बोला जाता है बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारी को, है ना, बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। देखिए मित्र, अश्वसेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। आगे देखते हैं, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुला यंत्र या जलपंप का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित जो पुस्तक लिखी गई है वानभट्ट द्वारा, तो इस पुस्तक में सिंचाई के साधन के रूप में
तुला यंत्र, जिसको जलपंप कहते हैं, तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के लिए जो यूज होता था, जो साधन यूज होता था, उसको क्या बोलते थे? तुला यंत्र, जिसको ब्रैकेट में जलपंप कहा का उल्लेख मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर्ष के समय मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए। तो ये ध्यान रखना है, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब देखिए, यहां पर कुछ पॉइंट है। ये हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद है। हर्षचरित जो बाणभट्ट लिखा, बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित है, तो उसमें हर्षचरित में उनके मंत्री परिषद के बारे में लिखा गया है कि हर्ष के मंत्री परिषद में क्या क्या था, उनका नाम क्या क्या था। तो जिसको भंडी कहा जाता था, तो भंडी का अर्थ था प्रधान सचिव। भंडी का अर्थ क्या हुआ? प्रधान सचिव। भंडी मना प्रधान सचिव। और हर्ष के दरबार में सिंहनाद किसका नाम था? सिंहनाद बोला जाता था प्रधान सेनापति को, है ना मित्र? सिंहनाद किसको बोलते थे? प्रधान सेनापति को। और कुंतल, कुंतल जो नाम है, कुंतल कहते थे अश्व सेना का प्रधान। कुंतल किसको बोलते थे? अश्व सेना का जो प्रधान होता था उनको कुंतल कहते थे। और स्कंद गुप्त किसको बोलते थे? स्कंद गुप्त बोला जाता था गज सेना का प्रमुख। जो गज सेना, हाथियों की सेना का जो प्रमुख होता था, उनको स्कंद गुप्त कहते थे। तो एक बार देख लेते हैं, हर्ष के अनुसार, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में क्या क्या थी? भंडी था। भंडी किसको बोलते थे? ये प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। और अगला है सिंहनाद, प्रधान सेनापति को सिंहनाद। ये प्रधान सचिव है और ये प्रधान सेनापति है। प्रधान सेनापति को सिंहनाद और प्रधान सचिव को भंडी। फिर दो है कुंतल, कुंतल बोलते थे अश्व सेना का प्रधान कुंतल, और स्कंद गुप्त गज सेना का प्रधान होता था। स्कंद गुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। तो मित्र, यहीं पर ये जो ये वर्धन वंश जो था, ये यहाँ पर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हर्षवर्धन को हम लोगों ने देखा, जयवर्धन को देखा, है ना, प्रभात वर्धन को देखा। तो इन सब के बाद यहाँ पर ये एंड हो गया, और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। और जिस भी मित्र को ऐसा है कि सारा वीडियो जो देखना चाहते हैं लुसेंट टॉपिक का या हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का, वो हमारे निर्मला निर्माण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर आइए। वहां प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्या? प्राचीन भारत नाम का एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में एक ओर से सारा क्रम से आपको प्राचीन भारत का वीडियो मेरा मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।